Now, the Uttarakhand government has announced 1.5 lakh interim relief for affected families in Joshimath as it battles a gradual sinking of the land, with several structures identified as dangerous to live in. As a total of 723 families will get this compensation as per a government survey. These families have been relocated, and as a result of the Joshimath disaster, R. Meenakshi Sundaram, Secretary to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, met with the residents and owners of Joshimath subsidence establishment to discuss the issue. He said that a compensation will be given according to the compensation that was given in Uttarkashi. Meanwhile, the meeting between a chief development officer and hotel owners is over. It is learned that the state government has not agreed to the demands over Badrinath compensation package. कुछ लिखित में चाहते थे, तो हमने कहा कि आज के जो डिस्कशन ना उसका कार्यवृत्त बनेगा और कार्यवृत्त की कॉपी आपको मिल जाएंगी। सर, जो मुआवजा दिया जा रहा है ये कैसे होगा? एक एक करके, ये कितने परिवारों को दिया जाएगा? एक एक करके प्लीज। बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत पैसा दिया गया सर, कई सारे परिवार ये चाहते हैं उसी रेशियो में हमें पैसा दिया जाए। देखिये, बद्रीनाथ एक दूसरे कैटेगरी है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ की पैरिटी केदारनाथ से होती है, जहाँ पर सरकार एक पुनर्विकास योजना ला रही है। उस पुनर्विकास योजना में सभी हितधारकों को साथ में लेने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिए गए थे, मार्केट रेट के 6 गुना तक दिए गए थे। तो वो एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी हम मार्केट रेट के 6 गुना देंगे तो वो एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप पैरिटी लगाइए, वरुणावत पैकेज जो उत्तरकाशी में दिए गए थे वो भी आपदा था, वहां पर जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर में आपको पैकेज दे दीजिए। सर, ये बात क्लैरिफाई, कितने परिवारों को 1.5 लाख रुपए की ये अंतरिम मदद दी जाएगी? कोई आंकड़ा अब तक आप लोगों ने जारी किया कि उसका भी कोई अलग अलग पैमाना है? अभी चूंकि ये परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है जी। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 जी, 700 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। जिस तरीके से जोशीमठ में बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को जो है, अरे बुलडोजर तोड़ना पड़ेगा, हम भी जानते हैं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिनके संपत्ति को तोड़े हो, जिनके होटल को तोड़े हो, जिनके परिसंपत्तियों को तोड़े हो, उनको ये तो बता दो तुमको मुआवजा क्या दोगे, फॉर्मूला ही बता दो कि भाई इस दर पर देंगे, बद्रीनाथ के तर्ज पर देंगे, कुछ तो बता दो, और कहाँ बसाओगे? क्योंकि जोशीमठ का एक कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि होटल का कर्मचारी और चाय की स्टॉल वाला व्यक्ति भी दूसरी जगह, तो आप नया जोशीमठ कहाँ पर बनाएंगे बता दीजिए ना। हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ का, जोशीमठ जोशीमठ है, उसका जो लगाव है वो शब्दों में नहीं समझा जा सकता, वो भावनाओं से समझा जा सकता है। दो तीन प्रकार की स्थितियाँ हैं। एक तो वो है जो बिल्कुल बहुत खतरनाक स्थिति में है, उन घरों को तोड़ा भी जाना है और उन घरों को दूसरी जगह उन लोगों को स्थापित भी किया जाना है। तो 80-81 ऐसे परिवार हैं जिनको और जगह स्थापित किया है, अभी होटलों में और अन्य स्थानों पर किया है। इनकी भी काफ़ी हमको चिंता है कि ये थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। दूसरी इस तरीके के परिवार हैं जो लगभग 750-800 तक भी जा सकती है ये संख्या, वो जिसमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ी हैं। मैंने देखा कि मकान के कभी किसी या की नीचे फर्श पर पड़ गई हैं या साइड पर, या कुछ मकानों में ऊपर जो सुनील के आसपास के हैं उसमें भी काफ़ी मकानों पर बीच में दरार पड़ी है, जो भविष्य में यदि उस पर अध्ययन किया जाए तो यदि रहने लायक नहीं तो उन लोगों को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो लोगों की मांग है उनसे चर्चा करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, वो आए भी थे यहां पर, और प्रधानमंत्री जी का स्वयं यहां पर लगातार वो मुख्यमंत्री को बात भी कर रहे हैं और उनका निर्देश भी मिलना है। Now, while the holy town of Joshimath is sinking, several places have presently where cracks have been discovered, they have been earmarked, and of course the compensation has become the major contentious issue, way by which there are a dialogue process that has been ensued between the people of Joshimath who are demanding better compensation and all those others who are definitely
waiting to see whether at all the administration is going to provide a better compensation. They are refusing to budge and they have opposed and blocked the demolition drive that was set to take place of certain buildings that were identified in Joshimath for demolition.